ये बुजुर्ग 40 सालों से लापता है। नाम है सौरभ बॉन्ड उर्फ घंटा भाई। 1950 में ये बहुत बड़े कार रेसर थे। ये कहां पर हैं इनको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। और ये हैं सौरभ बॉन्ड के बेटे सुशांत बॉन्ड। वैसे ये भी बहुत बड़े कार रेसर हैं, कहीं भी एक जगह टिकते नहीं हैं, बस घूमते रहते हैं। इनका नाम है रंगीला। ये रियल एस्टेट के पंडित हैं। ये लीजिए। हाँ, शहर में घंटा भाई के नाम पर 2 एकड़ की जमीन थी। घंटा भाई लापता होने के बाद उनके बेटे सुशांत बॉन्ड और रंगीला के बीच लिटिगेशन की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। 20 सालों से भी ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन जमीन का केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। इन दोनों की जीत भी नहीं हुई और हार भी नहीं हुई। बॉन्ड ने उस जमीन पर एक गैरेज बनवाया था, तो ठीक उसी के सामने रंगीला ने कॉम्प्लेक्स बनवाया था। मैं दिनेश सुशांत बॉन्ड का लॉयर हूँ। मेरे लिए बॉन्ड गुरु और गॉडफादर दोनों हैं। हम सभी के माँ बाप नहीं हैं। इसका नाम है कार्तिक, बॉन्ड का फेवरेट लड़का। बेहद शरारती है। इसने ऑटोमोबाइल्स की डिग्री पास कर ली है। बॉन्ड की तरह कार रेसर बनना इसके जिंदगी का मकसद है। छोटे बड़े रेस में जाकर यह हिस्सा लेता ही रहता है। अपना कार्तिक और रंगीला की बेटी संजना, ये दोनों बचपन से छुप छुप कर प्यार करते आ रहे हैं। और ये है V14, वजीर, विनीत, विक्रम, विवेक। और ये है आरती। आरती बॉन्ड की बहन है। रेस कार्स का बिजनेस करने के साथ साथ वो गैरेज भी संभालती है। आरती पर लाइन मारने के अलावा V4 की जिंदगी का दूसरा कोई मकसद नहीं है। क्या उड़ती उड़ती खबर आई तुमने अंदरूनी जगह पे कहीं टैटू बनाया है? हाँ, तो जल्दी से ड्रेस चेंज करो, टैटू देखकर चले जाएंगे। ओके। आरती भी कुछ कम नहीं थी, वो भी इन लड़कों को हमेशा भाव देती रहती थी। गायत्री, ओहो क्या बात है, बुड्ढा अपनी पत्नी की पूजा कर रहा है। बूढ़ों को गुस्सा दिलाने में जवानों को बहुत ही मजा आता है। वैसे तो अपनी बस्ती में ये हर रोज का ही नाटक है। पापा चप्पल, मेरी चप्पल थी वो। दोबारा हॉर्न मारेगा तो इससे मारूंगा। इस लिटिगेशन की जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाने वाले रंगीला ने 5 दुकानें बनवाकर 5 अलग अलग बुजुर्गों को बेच दी थी। ये है मुखर्जी सुंदर बाबू, और ये है चुलबुल पांडे, और तीसरे हैं मेडिकल बाबू, सुकन्या एक्सक्यूज मी आंटी, डॉक्टर चंद्रशेखर और कंपाउंडर बल्लू। बूढ़ों की आदत जवानों को पसंद नहीं आती, और जवानों की आदत बूढ़ों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वजह है उम्र का अंतर और जमीन की लिटिगेशन। इस तरफ नौजवान लड़के हैं तो उस तरफ बूढ़े पहलवान हैं। एक तरफ सेहत है तो दूसरी तरफ बीमारी है। दुनिया में जनरेशन से बड़ा और कोई युद्ध नहीं होता। अरे मंगलसूत्र मत बांधना, हम सभी लोग आ रहे हैं। कसम जरूर आऊंगा, अब रखूं। अरे वो सभी बूढ़े नए कपड़े पहनकर शादी में जा रहे हैं, कुछ मत करना। मैं नहीं छोड़ूंगा, अपनी इज्जत का सवाल है। सुनो कार्तिक। अरे चल जाना, तू नहीं सुनेगा। ए कार्तिक, मेरी बात सुनो। अरे सभी जल्दी चलो ना, जा बाहर में जा। अरे बताओ इधर क्या हुआ जल्दी। अरे क्या बताओ, 2 किलोमीटर तक धुआं हो गया था सर। फिल्म आई थी ना, वैसे बन गए थे। पहले से ही शुगर है, फिर पाइल्स है। अच्छा। बाद में बीपी और न जाने क्या क्या। ठीक है, मैं देखता हूँ। धुएं से हमारी जान ले लेंगे। हाँ मैं देखता हूँ। पूरी बस्ती में धुआं फैलाने वाला कमी ना तू ही है, मैं जानती हूँ। अरे वो मैं नहीं, तेरा बाप था। नहीं नहीं, तू ही है। सामने आ, तुझे बताती हूँ। पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। मेरे पापा की चमड़ी उधेड़ने पर मजबूर कर दिया तूने। हाँ कर देना, इसी बहाने तेरा बाप थोड़ा गोरा तो हो जाएगा। मेरे पापा पहले से ही गोरे हैं, तेरी तरह काले नहीं है। काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं डार्लिंग। मेरे सामने आ, ऐसा मारूंगी कि छोड़ूंगी नहीं, जिंदगी भर याद रखेगा। माय शो, बदतमीज, बाहर निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई, शर्म नहीं आती बिल्कुल। अरे कितनी मुश्किल से ये सीखा है, तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन अपना काम परफेक्ट था ना। ए सुन, निकल जा यहाँ से, पापा ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर बॉन्ड आने वाला है, बॉन्ड उसे बीच चौराहे पर कच्चे में खड़ा करके उसके खिलाफ केस डालिए। हाँ ठीक है ठीक है, डालता हूँ। कल हम सबका बर्थडे है, बॉन्ड भी आने वाले हैं, पार्टी में आ जाना। ए, मैं नहीं आऊंगी, छोड़ूंगा नहीं।
सुनो, जी की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवानी थी। अरे फोन पर रजिस्ट्रेशन करवाना पॉसिबल नहीं है। हो गया था ना, इसलिए फेशियल कराने आया हूँ। क्या है ना, ये ककड़ी क्यों रखी है मेरे आँखों पर? हाँ, आँखें बंद करके कैसे पता लगाया? हम तो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। तेरा बाप अंतर्यामी है या नहीं अभी पता लगाता हूँ। हटो, अभी दिखाता हूँ उसे। ए, नहीं नहीं नहीं, रुक जा। बुढ़ापे में जवानी का जोश कैसे चढ़ा आपको? अरे आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी, मुझे पार्टी में जाना है। हेयर कट होता है क्या यहाँ पर? लेडीज एंड चिल्ड्रंस का पार्लर है ये। बाहर पढ़ाने क्या? ओके, तो ये क्या है? मैं बिल्डिंग ओनर हूँ, समझा? तू कौन है? चुप रहिए सर, झूठ मत बोलिए, वरना अपने रंगीला को ले आकर इतना पिटवाऊंगा ना, तुम्हारी सारी मस्ती निकल जाएगी, समझे? अरे मेरे हाथों से मुझे ही जूते खिलाएगा, कौन है रे तू? कौन था वो? ये शर्म नहीं आती तेरे को? पहले तुमने मुझे क्यों मारा था? मैंने मारा था और तुम्हें? अरे छी, मुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? छी छी, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ दोस्त, नमूना कहीं क्या? हाय बॉन्ड। हे बॉयज, आप कैसे हैं बॉन्ड? हे कार्तिक। अरे तुम भी यहाँ हो, कैसी हो स्वीटहार्ट? हे डार्लिंग बिफोर, हे दिनेश, हे शिवा, उस दिन एमपी से मेरी दोस्त आई थी ना, उसकी बहन है। हे हाथ मिलाने से पहले हाथ धो लो, पकड़। रंगीला, बॉन्ड आ गया है। Hey baby, चलो ना आते हैं। कम कम कम, हे चलो अब निकलो यहाँ से। ये लोग क्या कर रहे हैं? काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती। कसरत से कोई भी ऐसा बन सकता है। उसी को क्यों देख रहे हो? बाजू वाली लड़की को तो देखो। hey, इसको सभ्यता तो नहीं बोलते। अरे चुप रहे, तू भी तो देख रहा है ना। उसकी आधी उम्र की लड़की से पीठ रगड़वा रहा है भाई। वैसे हम भी इससे कुछ कम नहीं है, है? हमारे से 8-10 साल छोटा है। इतना जवान भी नहीं है, उतना बूढ़ा भी नहीं, और सुन लो कोई काम का भी नहीं है। ऐसा क्या? अरे मेरी मौत, थू 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 थू। पार्टी में कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? रेनकोट पहनकर आ गई। अरे चेहरा छुपाने के लिए पहना है, पापा का ये। तुम्हारा बाप मरेगा नहीं, ये बदबू, ये डिजाइन देखकर समझ गया कितना कंजूस आदमी है। उसे ससुर कहने में तो शर्म आती है। रेस कार की तरह लग रही हो यार, काम का रेनकोट पहना था। पापा से चुप चुप के आने में लेट हो गई, मेकअप भी नहीं कर पाई। एक मिनट। हे व्हाट नॉनसेंस इज दिस सेनोरिटा, हम गैरेज वालों के सामने तैयार हो रही हो? तो क्या हुआ? आधे घंटे तक दिमाग घूमने लगे वैसा एक किस कर दो ना। लिपस्टिक खराब हो जाएगी। मेरा लिपस्टिक खराब हो जाएगा, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी। नॉनसेंस। और तुमको दिमाग खराब होगा तो ठीक है, हेयर स्टाइल खराब नहीं होना चाहिए। देखो वो फोटो वाला आदमी कैसे मुझे घूर रहा है। अच्छा वो घंटी बॉन्ड है, ये देखो ये रही घंटी, ये बॉन्ड के पिताजी हैं, अपने जमाने के फंटर थे। अब चलो ना, 21 दो ना। आया आरती। उसने बुलाया तो झट से जा रहे हो? अरे वो हमारी बॉस है, हमें काम सिखाती है। तो
किस विस भी उसी के साथ कर लो ना, बॉस है ना तुम्हारे। इसके लिए उसके पास 3-4 लोग हैं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी ना तब पता चलेगा। देखो तुम उसके साथ ना तो नाचोगे, ना हंसोगे, ना ही पियोगे, तभी मैं पार्टी में आऊंगी। ये तीनों करने के बाद अगर सॉरी बोलूं तो माफ करोगी ना? जान से मार डालूंगी, गुदगुदी करूंगा। नहीं 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 चल। नाड़ा दंगी, नाड़ा दंगी। ये नाड़ा दंगे बोले तो कच्चे का नाड़ा ना भाई। गांव की भाषा है, कुछ भी बोलता है। हैप्पी बर्थडे तुम सबको। जन्मदिन तो खास होता है, जन्म लेना, जिंदगी जीना और उम्र के साथ साथ बुढ़ा होना तो मामूली सी बात है। जिंदगी बोले तो वो नहीं, उम्र होने के बाद भी जवान हो समझकर हर खुशी के साथ जीना ही जिंदगी है। सो ऑलवेज बी हैप्पी माय बॉय, कीप स्माइलिंग एंड टेल योर फ्रेंड्स। और मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट हमारे लिए। ओ वाओ, यस 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 यस, क्या हुआ इसे? सब लोग ध्यान से सुनो। ए, तुम लोग भी सुनो, इसलिए चिल्ला के बोल रहा हूँ। अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपना गॉडफादर, अपना बाप, अपनी माँ, अपना बेटा कहूंगा तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा मेरे बेटे कहते रहते हैं। तो इन्होंने हमें ये जगह रेस कार का शोरूम बनाने के लिए गिफ्ट किए हैं। दोस्तों बजाओ तालियां। बॉन्ड तोता मैना की तरह नाइस पे। थैंक्स बॉन्ड, बहुत दिनों से जानते हैं, आपको मिलाना भूल गया। ये संजना है, अपने रंगीला की बेटी। रंगीला इज अ वेरी फनी मैन। अरे छोड़ो ना बॉन्ड, एक नंबर का कार्टून है। हे हनी, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम आ रहे हो? मैं बस एक मिनट में आया। ओके ओके, तो सिर्फ किसिंग की हो या इस उम्र में जो करना चाहिए वो भी किए हो? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, मिलते ही ऐसे सवाल पूछोगे तो भाग जाएगी भाई। प्यार एक परीक्षा होती है और उसका अंजाम यही होता है, सिर्फ बातों के हीरो हो या कुछ काम भी आते हो। गॉट इट भाई। सो जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा तो बेहतर होगा, नहीं तो तेरा लव वेस्ट होगा। रिजल्ट जल्दी देता हूँ। जी, वो कैसा रिजल्ट मांग रहे हैं और तुम बोल रहे हो मैं जल्दी देता हूँ? जल्दी दे दो ना रिजल्ट प्लीज। एक थप्पड़ दूँ क्या? बदतमीज। तुम्हारा बाप, वो सुकन्या आंटी, वो V4, वो आरती, वो बॉन्ड, वो शीबा, वो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ तुम ही इस एरिया में नखरे दिखाती हो। संजना, पापा, तुम्हारा बाप पूछ रहा है कहाँ मर गए, जाके मरो। स्कूटी बाद में ले जाऊंगी। रिजल्ट उई माँ। आरती, तुम और मैं ब्रेड जैम की तरह साथ रहेंगे, क्या कहती हो? अच्छा ठीक है। हा? तेरा भाई गाड़ी में बैठ गया तो 1 साल तक नहीं आएगा, बात करूं उससे? आरती तुम कहोगी तो तुम्हारे लिए मंगलसूत्र भी खरीद के ला सकता हूँ, बॉन्ड से बात करूं क्या? हे हाय। हाय, आपके भाई के पास नाइट ड्यूटी के बारे में बात करनी थी, आप भी आओ, अच्छा लगेगा। बात करते हैं, चलिए। ओके ओके, आइए आइए। नाइट ड्यूटी के लिए मैं नहीं हूँ क्या आरती? उसमें ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं? हे, मैरिड मैन हॉट होते हैं, साइड में रहने देना यार। साइड में रखोगी? देखो सारे लड़के तुम पे लाइन मार रहे हैं, लेकिन तुम्हें जवाब किसी एक को ही देना है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। नहीं, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे करूँ, भाई को बीच में क्यों घसीट रहे हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एक रसगुल्ले पे चार मक्खियां बैठे तो ऐसा ही होता है, इस एरिया में ये जवानों और बुढ़ों का लफड़ा संभाला नहीं जा रहा है। वैसे भी आप आ चुके हैं ना, इसकी क्या जरूरत है? वो सरंगीला के पास बैठकर सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट करने के लिए बचा ही क्या, ये मेरे पुरखों की जायदाद है, ये जगह मेरी है, मेरी सौतेली माँ की बेटी आरती है, इस जगह को आरती, कार्तिक और सभी लड़कों के हवाले कर चुका हूँ। फिर भी कागजात, ट्रांसफर, ये सब तो जरूरी है ना? सब होगा सर, मेरे पापा के पास है, वही आएंगे। आपके पापा किधर है? एक बार मेरे पापा से कॉलेज वालों ने फीस मांग ली थी, तभी से वो भी ढूंढ रहे हैं और मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अगर मर गए हो तो? टेंशन मत लीजिए, कानून को ये सब पूछना पड़ता है। जिसको जो मिलना है उन्हें वो मिल ही जाएगा। आरती यहाँ है, कार्तिक यहाँ है, सभी लड़के यहाँ है, ये सभी देख लेंगे। सितंबर में कोर्ट जाना है बॉन्ड, मिस मत करना, तुम्हें आना ही होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नफा नुकसान दोनों ही मजा देते हैं, इंसान को बस खेलना है। इस केस को रेस की तरह खेलेंगे, जीत होगी। बाय गाइस। ये बाय बॉन्ड, बाय। हाय बिलू।
वेरी गुड ड्राइवर. कौन है ये? हाय सर. हेलो हेलो. स्कॉट ने आपसे क्या कहा? हाँ हाँ मैं देखता हूँ ना. नहीं लिटिगेशन की बात. अरे वो देखते हैं ना. अरे अरे इतना धूप में आप खड़े क्यों? पैर दर्द करेंगे. बैठो बैठो. कोई बात नहीं आप बैठिए. मैडम के लिए चेयर लाओ रे. चेयर रहते हुए चेयर मांग रहे. दे दे यार. क्या कर रहे रे? अरे सर वो पैंट है ना मैंने उल्टा पहन लिया था. अभी सीधा कर रहा हूँ. टेंशन मत लो. क्या नाम है तेरा? कार्तिक सर. कार्तिक है. कार्तिक. अच्छा ये बता कन्हैया नहीं आया? आता है सर लेकिन आज नहीं आया. ये मिठाई का बॉक्स इधर लाओ. सबको बांट दो. जल्दी बांटो. क्यों रंगीला जी कल से ढूंढ रहा हूँ मिले ही नहीं. बाद में मिलके बात करता हूँ. वापस रख दो. क्या भैया स्वीट देख के मुंह में पानी आना चाहिए आंखों में पानी आ रहा है. एक पीस खाएंगे तो पूरे एरिया का पैसा बर्बाद होगा. सबको हाई शुगर बीपी है. बिना माइलेज की गाड़ी चल रही है. मिठाई देखी नहीं कि लगे खाए. फेंक दो उसको. ओके सॉरी बोलो सबको. सर धुआं छोड़ना साउंड करना लफड़ा करना बहुत सारे केसेस बनेंगे. साहब बोल रहे हैं ना बुजुर्गों को सॉरी बोलो. सॉरी बोलो. सॉरी मुझे सॉरी कहना नहीं आता. कुछ काम तो नहीं है. मैं चलूं क्या? ओके ओके बाय. थैंक यू. सी यू. तो रंगीला जी जो कुछ हुआ है या जो कुछ होने वाला है. क्या बोला तूने? वो तो मुझे नहीं पता. सॉरी सॉरी. ए चल रे तू भी. सॉरी सर. सॉरी सर. सर सर इसने मुझे सर इसने अभी तक सॉरी नहीं कहा. जल्दी से. देखिए सर अब 3 हफ्ते पुरानी बिरयानी खाकर छोड़ दिया इसने. अब पुलिस है बंदूक भी है. आप ही के सामने बदबू फैला रहे हैं. गला दबा कर मार दूंगा. सर इसने दिल से सॉरी बोला है. ये नेचुरल है. सुनो आप लोग समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हो. बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो. हम कोई ऐसा करता है क्या? हम क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी. आ गई. टाइम कितना हुआ? ओए आपको समय के बारे में कुछ समझ नहीं है क्या? जैसे तुम्हारे पास बहुत है. मेरे बारे में कुछ मत कहना. आपका सिर्फ बॉडी बड़ी है दिमाग नहीं है. ओ और तो उससे बात करने की तमीज़ें हैं बुढ़ाओ. हाँ और तुमसे किसने बात की? वहाँ पर और भी लोग खड़े हैं. तुम एक औरत होकर भी अरे, सुनो तुमको तो झगड़ा करना भी नहीं आता. बुढ़ा टपक जाएगा. एक्सक्यूज मी मैंने क्या किया? तूने कुछ नहीं किया. मेरी माँ गलती मेरी है. इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ. जाओ सर. और कुछ खाएंगे सर? ए आपको दबाना नहीं आता. ए बबलू जरा दबा के दिखाना. ये लो देखो जरा. लो बीपी सर को देखने दो. ये लीजिए डॉक्टर. सुनो तुम बस एक बार ठीक हो जाओ उसके बाद हम सबकी बैंड बजा देंगे. क्या कर रहे हो? तमाशा मत करो. ये क्लिनिक है. चुपचाप इन्हें एडमिट ही करना होगा. एडमिट होने से ये ठीक तो हो जाएगा ना? बोल यार. क्या बोलू? सिर्फ बोल बस. ठीक है ठीक है. हाँ हाँ. सब इंस्पेक्टर मस्त ऑफिसर है. आप बोलो. हाँ अपने एरिया में शांति सुरक्षा को बचा लिया यार. बॉन्ड बॉन्ड भाग गया. गैरेज के लड़कों ने मुझसे माफी भी मांगी. बोलो. हाँ लड़के सभी अच्छे बच्चे हैं. कल सुबह उन्हें बुलाकर बिरयानी सोन पापड़ी खिला देते हैं. हाँ मैंने हाँ बोलने को कहा क्या? अपना दिमाग मत चला. हाँ सब कुछ ठीक चल रहा था. उस सुकन्या ने आकर टाइम पूछ लिया. अपने मुखर्जी का टाइम ही सही नहीं था यार. सही नहीं था. मुखर्जी के हॉस्पिटल का बिल. अरे अरे सुकन्या भी ना. ये लो 600 देख रहा हूँ. 600 रुपए. अरे यहाँ 3000 का हुआ है हॉस्पिटल का बिल. मुखर्जी के लिए ज्यादा है यार. उसकी कीमत नहीं है. जाकर डॉक्टर के टेबल पर डाल दो. जाओ जाओ. और मेरा? तेरा क्या? अभी तक 3 महीने का पगार नहीं दिया आपने. अरे शांत वीरू शांत वीरू. आजा आजा बैठ जा मेरे गोद में बैठ जा. तुझे एक बात बताता हूँ सुन ले. इस दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है. मेरा कुछ भी नहीं है इसलिए सब कुछ तेरा है. ले लो ले. पहनो पहनो. मेरा कौन है यार? मेरा कौन है? थोड़ी देर में तो उसकी शादी हो जाएगी. देखो मेरे लिए तुम हो और तुम्हारे लिए मैं हूँ. एक बार गले लग जाओ यार. आ जा आ जा. सोएगा क्या? हाँ ठीक है जाकर सो जाओ. जाओ सब कुछ तेरा है. इन्हें खाना खिला देना. मेरा कुछ भी नहीं है. हाँ अरे यार सारा मूड खराब कर दिया.
अरे क्या कर रही हो यार, दिखता नहीं क्या? हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ कहाँ से चले आते? आ गई सवेरे सवेरे। अरे मेरी पतलून कहाँ है? रुक जा रे माँ, ये तू जान मारो, मार क्यों रही हो? मेरे पापा सीधे हैं, तू हमेशा उन्हें परेशान करता है ना, इसलिए मारा तुझे। ये लो रंगीला मामा, तुम बहुत अच्छे हो, माफ कर दो। अरे पागल यहाँ। अरे अरे अरे, पता है तुम सबके बारे में कितनी अच्छी बातें कर रहे थे और तुम शान पीरो को अपनी गोल्ड चेन दे दी। मेरी शादी की बात भी कर रहे थे वो। अरे बुड्ढे, तेरी तो तुम्हारी शादी की बात करेगा तो तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। अगर तुम्हारे बाप ने नाटक किया ना तो पोता पोती होने तक नहीं उठेगा। इतना मारूंगा उसे। अगर ऐसा सोचा भी तो दूंगा और गाली दूंगा। तुम्हारे बाप का भरोसा मत करना, उसे याद करके ही उल्टी आती है। बुड्ढा घूसा जंगली भालू अजगर एनाकोंडा मगरमच्छ है तेरा बाप। दूं क्या चाहिए? लो आ गया। पापा, मेरा नाश्ता कहाँ है? आई पापा। छोड़ो इसे। अरे क्या कर रहा है ये? मेरा है ये, मुझे रात में लगेगा। मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी, तू भी मुझसे बात मत करना, समझा? बाय। बाय। शांत वेरो, देरी क्यों हो गई? अरे वो गले की चेन कहीं गुम गई है यार, कार में गिर गई होगी, जाओ जाकर ढूंढना। पापा कल ही तो आपने। तुम चुप रहो, कहाँ गई थी तुम? तुमसे नाश्ता मांगा था, कहाँ है? ये रखा तो है। फिर इतनी देर चुप क्यों थी? ये लो तुम्हारी चेन। अरे दे 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 दे। ये क्या है यार, एक दिन में पॉलिश कम हो गई? क्यों, वजन तो कम नहीं हुआ ना? मुझे बीपी है, फालतू में मत बढ़ा, दो चिल बियर लेकर आ, चल जा। बहुत छड़ा बन रहा है। फोकेट का चैन से खाने भी नहीं देते। बेटी क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? क्या एसिडिटी? अगर तेरी माँ देख लेती सोचती कि कुछ गलत हुआ है और फिर अपनी जान दे देती। हाँ करो करो, उल्टी करो। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। हेलो 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 हेलो, लोहे की वॉशर डालने से लीकेज नहीं रुकती, रबर की वॉशर डालिए प्लीज। थैंक यू। रबर के बारे में हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? आप महाज्ञानी हैं सर, हमारे यहाँ रबर की फैक्ट्री है, आइए। हाँ चलो। आरती, आरती, हम एक सवाल पूछने वाले, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? पहले पूछो तो। कॉन्डोम मिलेगा क्या? मेरे पास नहीं है। कोई भी चलेगा। गो टू हेल। अरे लग गए। इस पॉपुलेशन को रोकने का, डीजल को बचाने का सिर्फ रबर ही सोल्यूशन है। सही कहा, एक्स्ट्रा रबर एक्स्ट्रा माइलेज। बुड्ढे के पास जाते हैं, मैच खेले बहुत दिन हो गए। चलो चलो चलो। बैट्समैन बल्ला लेकर खड़े हैं पवेलियन की तरफ से, कार्तिक विट टू बॉल्स। हम भी बहुत देर से लाइन में खड़े, जा पीछे लाइन में खड़ा हो जा। सर इमरजेंसी है सर, आज मेरा रेस है संकलेशपुर में, इमरजेंसी है प्लीज। आओ कार्तिक आओ। तुम क्यों बोल रहे हो? अरे दोनों का बीच अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आप जरा चुप रहो। आपके पास ये क्यों लटका रखा है? ओह मेरा फ्रेंड आने वाला है, ए आजा रे। देखा क्या चाहिए तुम्हें? अंकल 10 का कॉन्डम पैकेट है क्या? कौन सा ब्रांड दूं तुम्हें? अंकल कम रेट में अच्छी खुशबू हो जो ज्यादा दिन चले, ऐसा कोई ब्रांड है क्या आपके पास? ये लो, खुशबू भी आएगी और ज्यादा दिन भी चलेगा। बेशरम। ठीक है चलो हटो निकलो यहाँ से। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे चल निकल। अरे बुड्ढो सालो, अभी तुम्हारी बाट लगाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ए, मारो मारो। ए, अरे, अरे, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? रुको अरे रुको, बुजुर्गो क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा, तमीज है क्या? ए अरे बहुत हो गया, अरे चुप कर, मेरे से बहुत देखो, रुक जा रुक जा। अरे मैं बोला तमीज, चुप कर। क्या लफड़ा इसका? सुबह सुबह दुकान में आकर कॉन्डम मांग रहा है साला, मेरे नाक में डालेगा क्या? तो अरे तुम्हारी, शांत वीरो एक रस्सी लेकर आ, सीधा सेंटर में बांध डाल, मैं बोल रहा हूँ वहाँ के लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, हमें समझ के रखा है? तुम लोगों को किस किस हालत में देखा है हमने, सुनो सुनो प्यारे बच्चे, सभी लाइन में लोटा लेकर वहाँ बैठा करते थे छोटी उम्र में। करेक्ट सर, रंगीला सर, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, है ना? कौन है तू? मेरे एरिया का है, तेरी औकात क्या है? और कौन है तू? बड़ा पॉलिटिशियन है, चल निकल यहाँ से। रस्सी अभी बांधी नहीं ना। रस्सी बंद गई समझकर उस तरफ चले जा।
चलो क्या कर रहे हो मेरे आशिक दीवानो? मुखर्जी के बैग से बदबू आ रही है, क्या होगा इसमें? उसमें एक काला टैबलेट होगा, देख। हाँ, दो है। एक बिना नाड़ी की चड्डी होगी। हाँ, मिला। एक 1975 की तस्वीर होगी। हाँ, है, अवार्ड कॉपी का ज़ेरॉक्स होगा, सीनियर सिटीजन का कार्ड होगा, दो बीपी की शीट के अंदर एक ही है, है, है। 3 साल पहले इसका बैग मिला था, उसमें भी यही सामान था। अरे इसकी थू। थू। एक्स्ट्रा आइटम है क्या, देखना? हाँ, देख, 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 एक लेटर एंड एक सील है यार। हाँ, इसीलिए तो चुराया था। और कुछ है क्या? हमारा पहला शिकार मिल गया। नमस्ते सर। क्या भाई, और क्या कर रहे हो? सर सेहत ठीक नहीं थी, एक हफ्ते से जुलाब हो रहा था, अभी रुका है। काम फिर से शुरू करना है, पिटीशन आ गया है, राइटर को देता हूँ, बात करो। सर क्या पिटीशन है वो? सार्वजनिक जमीन जायदाद की रक्षा करना छोड़कर उन्होंने घूस लेकर दौलत कमाई है, शारीरिक रूप से पुरुषों को, लैंगिक रूप से महिलाओं को तकलीफ दे रहे हैं। किसने लिखा है ये? अच्छी कार्रवाई कीजिए, आपका मुखर्जी। ये पिटीशन अगर टेकअप हुआ तो आप सस्पेंड हो जाओगे, जानते हो? ऐसा नहीं है सर, मैं पर्सनली आपसे आके बात करता हूँ ना सर। अच्छा ठीक है। वो मुखर्जी साला। पिटीशन किसके नाम? वही लिटिगेशन प्रॉपर्टी। हाँ, बताइए बताइए। बिल्डिंग बनाया ना? हाँ। ये आपको मुखर्जी की तरफ से। मुखर्जी उसका दिमाग खराब है, पागल है वो, मैं वापस लेने कहता हूँ। जाओ जाओ, भेज दो। ठीक है ठीक है। हम ड्रग कंट्रोल बोर्ड से आए हैं, पता चला है कि आप एक्सपायर्ड मेडिसिन बेच रहे हैं, आपका दुकान सीज कर रहे हैं, आपको 60,000 फाइन भरना पड़ेगा। अरे पांडे, वो केला लेकर आ, दे दो। आजा आजा, हाथ रखो, महादेव का प्रसाद है, झूठ मत बोलना। हम सभी साथ रहते हैं भाइयों की तरह, और तूने ही लेटर हेड पे खुद से मुखर्जी लिखकर हम सभी की बैंड बजा दी। क्यों यार, ऐसा क्यों किया तुमने? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे रंगीला, बिना वजह झमेले में काई को फंसा रहे हो? मैंने किसी को कंप्लेन नहीं किया, हम बेकसूर है, इस केले का कसम, हमने लेटर नहीं लिखा। रंगीला, इस महादेव के प्रसाद का कसम खा रहे हैं, मतलब पक्का हरामखोर है ये मुखर्जी। बात मत करो। छोड़ो मुझे। अरे उसे ऐसे क्यों मार रहा है, कंप्लेन कर देगा ना वो? करूंगा, एक इज्जतदार पर जाने वो हमला, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ए मुखर्जी, इसकी सजा दिलाऊंगा। अरे ए मुखर्जी रुकना, मैच बहुत टाइट है, चल पुलिस स्टेशन। चल 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 चल। अभी अच्छा लग रहा है, क्या तकलीफ है साहब जी? सर हमारा तकलीफ सुनो। लगता है इसको कहीं पे देखा है, कौन है रही है? सर वही मुखर्जी, सुंदर बाबू। अच्छा, ए तुम ही हो क्या? हाँ सर, सुंदर बाबू। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, दरअसल बात यह है कि उस मेडिकल शॉप के शुभा ने हम पर जानलेवा हमला किया है सर, हम उसके खिलाफ तुरंत कंप्लेंट लेना चाहता है। क्या मस्त मारा है उसने। शुभा को लेके आ रहे। ठीक है सर। ये देखो खून बह गया सर। आ गया सर, वो आ गया। बैठ जाओ भाई। मैंने कुछ नहीं किया सर। ए बैठने को बोला ना, हमको कंप्लेंट देना है सर। चलो ठीक है, आप उठ के जाओ, हमारा बात तो सुन लो। जाके साइड में खड़े हो जाओ, बुलाऊंगा तुमको। ठीक है सर, हम बाद में आता है, रास्ता छोड़ो रे। ए जी सर। वो टोपी इसके सर पे डाल। मेरी है सर। अरे ये डालना। ये लो सर। ये सब क्या है सर, मैंने कौन सा अच्छा काम किया? देखो, हर रात को सपने में उस मुखर्जी को बहुत अच्छे से पीटना चाहता था मैं, लेकिन मेरा सपना तूने सच कर दिया, तो ये सिर्फ सम्मान नहीं है, तेरी पूरी जिंदगी की साधना है। मुखर्जी का मुंह फोड़ने वाला है तू। गुड। उसको जीप में ले जाकर जहाँ जाना चाहते है वहाँ छोड़ दे। ठीक है सर। सचमुच मुझे घर छोड़ देंगे सर? सच बोलिए ना सर। हाँ हाँ, इस तरफ से। चलना आगे, चल मजा आएगा। सुनो सर, उसको काय को छोड़ दिया? देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप चले जाओ। सर लेकिन हमारा बात तो सुन लो। मैं तेरी बात भी नहीं सुनूंगा, मैं तेरे से बात भी नहीं करूंगा, चल जा। सर सच्चे लोग का कोई कीमत नहीं होता है। हो सकता है लेकिन मैं नहीं दूंगा, चल जा। अरे बाप रे। सर चाय इसको पिला दो। हमको नहीं चाहिए। ठीक है तू ही पी ले।
सर न्याय मिले बिना हम कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बिस्तर लगा के यहीं सो जाओ। तुम्हारा क्या है? फंक्शन आने वाला है सर। हाँ ठीक है, देखते हैं। एक निशाने से तीन बड़े चूहे कैसे तड़प रहे हैं देखा ना तुम लोगों ने? अरे भाई एक मोटा चूहा तो बच गया। पांडे जी ना, तू बस देख मैं उसका कैसे शिकार करता हूँ। अरे जल्दी आओ। कहाँ गया चुलबुल पांडे? ओए वो देखो उधर उधर। कहाँ है यार? चलो चलो। ओहो हो, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। ये ले चाबी पकड़। जल्दी कर, चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी आओ जानू। थोड़ा सबर कर। अरे बिल्ली ये क्या कर रही है? फोन किसका? चलो फोन बंद कर। ए बात, अरे बंद कर, बंद कर। अरे क्या है वहाँ? छोड़ ना, आ ना। चल 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 चल। बस 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 बस। आइए आंटी। कहाँ है? वहाँ। अरे नहीं, मत करो, माफ कर दो, माफ कर दो। कपड़े पहन लो वरना नंगा घुमा के मारूंगी। ठीक है ठीक है, पहनता हूँ, मत मारो। अरे मत करो। मोटे आज तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। वहाँ कहाँ जा रहा है? अरे नहीं नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे, रुक जा। अरे बचाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुए धोखा देने के? अरे इसने किया क्या है? जाने दो यार। देखो भैया, पिछले साल वो सब्जी वाले के साथ चक्कर चलाया था, इस साल ये किसी और के साथ सो रहा है, धोखेबाज कहीं का। तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम जानती भी हो वो मेरी बहन जैसी है। क्या कहा? बहन। झूठ है, झूठ है, झूठ है। देखो भैया कैसे फेंक रहा है बेशक कहीं का, इसी की वजह से मेरा बेटा घर छोड़ कर चला गया। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरे श्राप से तेरा सबका नाश होगा। बस करो, ए भांजे घर ले जा, घर ले जा। ए चल निकलो। ए चलो रे, चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी, क्या लफड़ा हुआ? आ गई। देखो ये औरतों की लड़ाई है, तू मर्द जैसी है, तेरे काम की नहीं है, चल जा। अरे बताओ ना। लफड़ा है आंटी, लफड़ा। चलो निकलो। बंद कर, बंद कर, कर। आजा चलो, आजा आजा। उम्र होने के बाद ये सब धंधे बंद करने चाहिए, नहीं तो गेम हो जाएगा। संजना निवास। ए, मैं आ गया सेनोरिटा। ए, ए, मेन डोर से आखिरी इंसान की तरह बैठ गए, कोई देख लेगा तो? इस एरिया में कोई भी नहीं है। V4 आरती के साथ पार्टी में गया है, तुम्हारा बाप रेंट कंट्रोल केस में है, चुलबुल पांडे दारू पीकर हॉस्पिटल में है, मुखर्जी का मुंह ब्लास्ट हो गया है, मेडिकल अच्छा। शॉप और सुबह की दुकान बंद है। तो इस एरिया का काला नाग मैं हूँ और कोरी नागिन तू है, और मिलकर हम क्या करने वाले हैं? इसी वक्त चलाकर मार डालूंगी। मैंने उस दिन कहा था ना, रिजल्ट तो दो ना, एक अच्छा सा रिजल्ट। ऐसी बात करेगा ना तो बाहर ले जाकर बहुत मारूंगी। तुम्हें मेरी तरह सुबह शाम दिन रात कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बताओ ना। सच में होता तो है। तो फिर शर्म आती है? बेशरम कैसे बनते हैं मैंने इंटरनेट पर देखा है, ट्राई करें क्या? इंटरनेट को छोड़ो, ट्रेडिशनली परंपरा के हिसाब से बेशरम बनते हैं, ठीक है? तुम्हारे बाप का रूम कहाँ है? कमांडर कार्तिक ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ओए होए रंगीला, तू तो छुपा रुस्तम निकला हीरो। अरे रे रे रे, देखो तुम्हारे बाप के पास कैसी किताबें हैं। मैं नहीं देखूंगी। जैसा बाप वैसी बेटी, तुमने पढ़ा है ना ये सब? तू पागल हो गया है क्या? तो मोबाइल पर समझ गया। तो अब ना हम दोनों कंबाइंड स्टडीज करते हैं, इससे रिजल्ट अच्छा आएगा पता है। पूरे मार्क्स मिलेंगे, 100 out of 100। यंगस्टर्स हैं हम, आओ देखो तो सही, देखो।
सुनो, हम दोनों की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी तो बाद में क्या होगा? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे भी नहीं पता, ये प्यार व्यार एग्जाम रिजल्ट सब कुछ कैंसिल। ए, ए, क्या हो गया तुम्हें? दरवाजा बंद है। Come on, don't worry, idiot. तुम रो रहे हो? माँ जब गुजर गई थी मैं 4 साल का था, उसके बाद मैं आज ही रो रहा हूं। कार्तिक तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। तो फिर हर रोज तो तुम मुझे परेशान करते रहते थे, कहते थे रिजल्ट चाहिए रिजल्ट चाहिए। आज जब मैं रिजल्ट देने के लिए तैयार हो गई तो तुम तो रोने ही लग गए। ऐसा क्या हो गया तुम्हें? मुझे प्यार हो गया है। हाँ? आज तक तो प्यार नहीं हुआ था, बचपन से साथ में हैं हम। 8th class से मुझ पर लाइन मार रहे हो, आज अचानक प्यार कैसे हो गया? मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है, रिलेशनशिप क्या होता है मुझे नहीं पता। आज मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, मेरी तो छोटी सी जिंदगी है। कल अगर मैं तुम्हें खो दूंगा तो मैं तो फिर से अकेला हो जाऊंगा, फिर से अनाथ हो जाऊंगा, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कार्तिक, तुम रो मत ना, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। आई लव यू टू। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। कपड़े कौन है? कौन है? कौन है? पापा शांत हो जाइए। पापा पापा म्याओ म्याओ। देखो यार झूठ पकड़ा गया, अब आगे तू जाने और तेरी बेटी जाने। सर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती मत करना। तू एक बाप की औलाद है तो रोक के बता तेरा बाप कहाँ होगा। संजना तुम घर जाओ, होने वाला ससुर है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यही खोपड़ी खोल देता। देखो ये तो बुरी सलाह रिश्ते की बात कर रहा है, समझा इसे। ए, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे छोड़ेंगे नहीं। जला जला कर भस्म कर दूंगा, भस्म कर डालूंगा। कभी ना सुबह सुबह मैं लुट गया यार, मेरी बेटी को पागल बनाया उस कमीने ने। देखते हैं, देखते हैं। एक को भी मत छोड़ना। हाँ, किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। सब कुछ जला दे, जला दे और तेल डाल, जला दो, आग लगा, जलाओ, डालो माचिस डालो, बहुत जला दो, हो गया, बहुत बहुत खेल गया, चलो नहीं रहना चाहिए। आ जाते हैं कहीं से अनाथ बच्चे, डालो डालो और तेल डालो, हाँ जला दो, हाँ देखते हैं, जला दो जला दो सब जला दो। Yep.
आग बुझाओ। कार्तिक अब क्या करेगा? बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो कार्तिक, थोड़ा और जल जाता ना तो तुम्हारी कोई खैर नहीं थी। मेरे साथ कौन कौन आ रहा है? आप कहाँ जा रहे हो? बिना माँ की बच्ची समझकर इसे पाला पोसा और इसने मेरी इज्जत गैरेज में नीलाम कर दी। रंगीला बोले तो क्या, रंगीला कॉम्प्लेक्स बोले तो क्या है, दुश्मन के साथ लव, ये बेटी है मेरी, बेटी है ये मेरी। Excuse me, कह रही है इसे रवायत ले जाइए। तुझे मेरे घर से बाहर निकाल दूंगा, चुपचाप बैठो। रंगीला, देखो देखो ये फिर से आ गया। हिम्मत नशे में मुझे 3-4 दिख रहे, जाओ सुबह। अरे सच में 4 लोग हैं वहाँ पे? ऐसा है क्या? हाँ। मुझे भी सब कुछ डबल डबल दिख रहा है। आज सुबह मेरे माँ बाप को गाली किसने दी? ए, मैंने दी। हमारे माँ बाप नहीं है ना तो हमें गोद ले ले, नहीं लिया ना सबको मारूंगा यहाँ पे। सभी बाहर निकल जाओ, ये रंगीला का घर है, गेट आउट। नहीं जाएंगे। पहले मेरी गलती क्या है वो बताओ। प्यार करता हूँ संजना से, इतनी सी बात के लिए गुंडों को लेकर पिटवाने आते हो? कैसे लोग हो तुम लोग, थू, ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती? ए, सुबे, उठा ले, कोई तो उठा ले, उठा ले। ए, यार क्या बकरा है। ए, स्टोर रूम में लेकर आ, दिखा। अरे स्टोर रूम में ताला लगा हुआ है। ए, तो ताला तोड़ दे। अरे तू सच में जा रहा है क्या? काट के रख दूंगा, निकल जा मेरे घर से। ए, रुक जा, चिल्ला मत। एक बार संजना बोल दे फिर मैं चला जाऊंगा, बुला उसे। संजना? ए, मैं क्या यहाँ टाइम पास के लिए खड़ा हूँ? ए, दे इधर, काट दूंगा। मैं आज के बाद गैराज की तरफ देखूंगी भी नहीं। हाँ? क्या? ए, गैराज छोड़, अपनी बात कर। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, चले जाओ। क्या कहा? मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, गेट लॉस्ट। शाबाश। शांत हो जाओ बेटा। कार्तिक, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, सब खत्म, आज से इस गैरेज का रिश्ता भी खत्म। पागल हो क्या? इतना भी गुस्सा क्या काम का है यार। बॉन्ड ने ठीक कहा था, रिजल्ट दे रिजल्ट दे, और मैं वो सब छोड़कर उससे दिल लगाकर प्यार कर बैठा। मेरी गलती थी, एक कुत्ते की तरह पिटवाया मुझे, और तो और पहचानने से भी इनकार कर दिया। एक चप्पल की तरह रखा मुझे। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। आज से मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, किसी का इंतजार नहीं करूंगा, कोई मेरा अपना नहीं है, मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूं। ना घर का रहा ना घाट का। करेक्ट है, वो बॉन्ड बिल्कुल करेक्ट बोलता है। मैं बॉन्ड बनूंगा, मेगा बॉन्ड, तुम में से किसी को नहीं मिलूंगा, अपने आप से भी नहीं मिलूंगा। बाय कार्तिक। अब तुम्हारी क्या कहानी है? हम भी बॉन्ड की तरह बनेंगे, रास्ते में तेरी याद आएगी तो वापस आएंगे। हाँ, वॉशिंग मशीन में 4-5 अंडरवेयर है, उसे छूना मत। हाँ, ऑल द बेस्ट कार्तिक। आरती, वी विल मिस यू। बाय। आरती, कल तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। ओए, मुझे कोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कोर्ट है, इंटरेस्ट नहीं हो तो भी आना पड़ेगा, नहीं तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। Oh, what the?
लास्ट कॉल. हे व्हाट यू आर डूइंग, कम ऑन. हेलो हेलो हेलो, कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ. ये सुकन्या आंटी का नंबर है, छुपके कॉल किया. कौन हो तुम? ऐसा मत कहो ना प्लीज. तुमने मुझे सबके सामने पहचानने से इनकार कर दिया तो अभी क्यों फोन किया? भूल जाओ सब कुछ. अरे पापा कल बहुत नशे में थे ना, इसलिए मैंने सोचा तुम दोनों का झगड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा. प्लीज सॉरी. ये ओम की आवाज क्या है? मैं हिमालय में जा रहा हूँ. क्या? मैं तुम्हें भूल चुका हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ. गुड बाय. डिफेंडेंट के जी रंगीला भाई की तरफ हुआ है. नेक्स्ट. थैंक यू सर. चलो चलो चलो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ. अरे रुकिए सर, रुकिए. बच्चों की तरह भाग क्या रहे हो? जज साहब ने क्या कहा? दोबारा हमें यहाँ आना होगा. टेंशन हो रही है, बताना यार. आपको यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है रंगीला, केस तो हमारी तरफ हुआ है. बिल्डिंग की जगह सब कुछ अपना. सुना वो जगह, केस सब हमारा हो चुका. हम जीत गए. तुम ना कार टायर ट्यूब लेकर बाहर जाकर जी लेना, वहीं रहोगे तो आग लगा देंगे और एक भी नहीं बचेगा. बहुत समझाने पर भी बॉन्ड नहीं आया. कार्तिक बॉन्ड बनने चला है और तुम्हें तो 1% का इंटरेस्ट नहीं है. मेरा लॉ पढ़ना वेस्ट हो गया. ओके एवरीवन, नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक योर राइट हैंड एंड प्लेस इट ओवर योर हेड, कवर योर इयर्स एंड से ओम. अभी बोलता हूँ. हे रंगीला, गैरेज खाली कराने वाला है, लड़ने के लिए तेरी जरूरत पड़ेगी. फोन पे फोन आ रहा है, चल. नहीं यार, मेरा कोई नहीं. इस साले का बहुत हुआ, चलो इसको उठा के ले चलो. चलो. अरे क्या हुआ तेरे को, क्यों चिल्ला रहा है? घंटी बॉन्ड. अरे वो क्या था यार जो आरती पुकारती थी ना? सौरभ बॉन्ड. हाँ सौरभ बॉन्ड. हेलो 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 गाइस, सॉरी ही डज नॉट स्पीक. ओ ऑडियो आउट है. लास्ट सेल्फी. ओ कम ऑन, नॉट अगेन. ओ क्या ये तुम्हारे पापा हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार लापता बाप मिल गया, फादर. उसके मिलने की खुशी में देख उसने क्या भेजा है, सिर्फ थम्स अप. थोड़ा भी एक्साइटमेंट नहीं है. घंटा बॉन्ड का क्या करें यार? हमारी जगह का ओरिजिनल ओनर तो यही है, मतलब इनके पास गारंटी पेपर्स होंगे तो. लिटिगेशन केस दी एंड. इस एरिया का बादशाह मैं हूँ, रंगीला कॉम्प्लेक्स की. आरती, हम जेसीबी लेकर जाएंगे और गैरेज को जमीन में दफना देंगे, छोड़ेंगे नहीं. तो किसी लॉज में शिफ्ट हो जाओ ना, नहीं तो मेरा घर खाली है. जैसा आपका मर्जी, इसमें मेरा कुछ नहीं है. ये ले ले, दूध क्या लाए? दूध पियो. नहीं सुबह पिलाओ ना. अरे पियो ना, चुप रहो यार. ये क्या पियोगे? अरे घंटा बॉन्ड. ओके ये देखो. ओ डैडी, क्या ये सच में हुई है? Client have submitted the originals. रंगीला के जमीन के कागजात और घंटा बॉन्ड के जमीन के कागजात की बारीकी से छानबीन करने के लिए कोर्ट ने दोबारा स्टे ऑर्डर रवाना करने के लिए आदेश जारी किए हैं. अरे छोटू, हाँ. ये नंबर उस पे लिख देना. ओके. क्या करूं भाई, संडे पार्टी है ना. रंगीला भाई के लिए सर सुबह से 3 बॉटल मंगवा चुके हैं. सारी दुकानें बंद थी, एरिया पूरी तरह से शांत था. रंगीला ने 3 बोतल मंगवाई थी और गैरेज के लड़कों ने 6 बोतल मंगवाई थी. कार्तिक नशे में धुत था, शराब के नशे में कार्तिक ने जो गलती की उसकी वजह से सबकी जिंदगी उल्टी हो गई.
संजना को सीक्रेटली हैदराबाद भेजने वाले हैं। ये किसने कहा तुझसे? रंगीला शराब के नशे में चुलबुल से कह रहा था। अरे अरे क्या हुआ? जरूर वही कमीना होगा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। किसी ने रास्ता रोका, ऐसे हॉर्न क्यों बजा रहे हो? पूछ सकता हूँ ना? सुनाई नहीं देता, कोई बीच में ना है इसीलिए बजा रहा हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। छुट्टी के दिन इस एरिया में शांति सुकून के साथ रहने का मैंने कानून बनाया है। तुम तुम्हारे जगह पर इस कार को उस तरफ घुमा कर बंद करके बिना साउंड के ऑन मारो। ये एरिया भी अपना ही है, समझा ना? सारे कुत्ते कमीने, इस लुंगी में एंट्री लपेट कर पीट डालूंगा। गाड़ी घुमा तेरी गाड़ी को तेरी जान ले लूंगा। अरे ऑटोमेटिक है, इस पे चाबी नहीं है। तेरे से भिखारियों को ऑटोमेटिक गाड़ी छूने का अलाउड नहीं है। चल जा रही है। चैलेंज मत करना, देखो ऐसी हजार गाड़ी लगकर लाइन में खड़ा कर दूंगा। गाड़ी की क्या बात करता है, हिम्मत है तो ऐसी गाड़ी का एक टायर तो ला के दिखा। लाइफ में कभी रेस कार दिखा है के मोटे? रेस कार क्या होते मालूम है क्या? देखने की बात क्या करता है, मैंने जवानी में बहुत रेस किया है। तिरुपति को ऑटो रिक्शा में कर कर गया था, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फोटो भी है। रेस और तू? अरे रेस की बेइज्जती मत कर, चल जाए यहाँ से। बेटा बेटा चैलेंज मत कर। मुझे चाहिए चैलेंज, बिना चैलेंज के जीने वाला तो तू है, बिल्कुल वेस्ट है। एकदम तो करना है चैलेंज। सोच ले। हाँ सोच लिया। तू यहाँ से लिटिगेशन बोर्ड तक भाग और मैं तुझे एक पांव पे लंगड़ते हुए हरा दूंगा, समझा? चल एकदम। उस बोर्ड को जरा आगे ले जाओ। तू जाने दे, तू ऑटो चला, कुछ तिरुपति बोल रहा था ना उसी से रेस कर। जा जा, जा चल। अरे तेरी तो आज फैसला होकर रहेगा, हार होगी या तो जीत। रेस बाजी, अगर मैं जीत गया तो ये एरिया ये जगह सब कुछ छोड़ दोगे, तुम लोग छोड़कर चले जाओगे। हाँ ठीक है, अगर जीत गया तो ये सारी जगह तेरी, मैं बॉन्ड ये सब लड़के तेरे घर पर आकर झाड़ू लगाएंगे। चैलेंज डन। लेकिन अगर तेरी हार हुई हैं, तो ये सारी जगह मेरी, संजना भी यहीं रहेगी और तुम सब लोग हमारी गैरेज में आके काम करोगे, सिर्फ एक रोटी तनख्वाह होगी। है हिम्मत? हिम्मत की बात करता है तू, हमें अनाथ बोलता है ना? आज तुझे पता चल जाएगा तेरा बाप कौन है। किसके सामने तू बाप की बात कर रहा है? किसके सामने? अरे छोड़, इसके माँ बाप नहीं, इसको बात करने की तमीज नहीं है। ए बॉय, बाप की बात करता है, कभी रेस की? आखिर करना क्या है? ये रेस करेंगे रेस। अरे तू चल ना, रेस करने क्या हो गया? रेस करेगा तू? कान खुले हैं मेरे, बड़े में रहे तू। आई बड़ी प्यार करने वाली, ये मिला तेरे को? तुम्हें सब कुछ रेडी करके यहाँ पर लेकर आना होगा, समझे? उधर सर, तूने दोपहर में जो जो कहा वो सब कुछ कानून के मुताबिक लिखवा कर बॉन्ड पेपर रेडी करवाया है, मैंने साइन कर दिया। या तो
इस जगह पर तुम लोग रहोगे या जो हम रहेंगे। हम रहेंगे। आजा, रेस लगाना है ना तेरे को। रेडी। ये लो, बॉन्ड पेपर पर साइन करो। चलो लग गए चैलेंज। आओ, कौन कौन अकेडमी आने वाला है? आओ आओ। ये लुंगी पकड़ रहे चैलेंज। ओ हिम्मत, बुड्ढो की चैलेंज। आजा जवानों, और हो गया अभी बस। चलो चलो, मेरी बेटी है, तेरा क्या कर? चलो चलो, करता है अपने बाप जाने दो वालों से। चलो आरती, बॉन्ड को फोन करो, कॉल करो। अरे ये जगह मेरी। चलो अभी बताते हैं उसको। कॉम्प्लेक्स में इतने सारे लोग हैं, कल शराब के नशे में ये अकेला जाकर डिसीजन ले लिया, कैसे चलेगा यार? पूछो इससे। हमसे ये रेस वेस नहीं होगा। इस उम्र में ये हीरोपंती करनी जरूरी थी? पहले चुपचाप जाकर बॉन्ड पेपर वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा होगा। बुरा नहीं भाई, अपराध होगा। चुप रहो यार, कल इसे कितना समझाया मैंने, अकेला जाकर ताव दिखा कर आया है। रेस करने की उम्र उनकी है भाई, ये रेस वेस हमें क्या पता, जाकर मुंह फाड़ के चैलेंज करके आ गए। पता पता कुछ नहीं, चले रेस करने। इस रेस में अगर हम हार गए तो ये जगह हाथ से निकल जाएगी, और फिर मांगते रहना भीख, भीख दो, भीख दो। ये सही बोल रहा है। सब लोग चुप बैठो, एक सच्ची बात बताता हूँ, सुनोगे? हाँ बोलो। मैंने अपने शौक के लिए ये शर्त नहीं लगाई, रंगीला कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सभी बूढ़ों की भलाई के लिए मैंने ये किया। एकता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अरे विश्वास अलग है, व्यवहार अलग है। सभी ने 8 लाख देकर दुकान खरीदा है। ठीक है, सबने कितना पैसा दिया है एक पर्ची पर लिख कर दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। मुझे तो रंगीला कॉम्प्लेक्स से मतलब है, मुझ पर छोड़ दो, मैं तो ये रेस करके रहूंगा, आने वाले आए जाने वाले जाए। अरे बात सुन रंगीला, कोई कुछ नहीं बोलेगा, रेस होकर रहेगी। एक मिनट, रेस कार चलाने वाला ड्राइवर कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ। साले तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं हूँ ना यहाँ। अरे जाने दो, जाने दो, छोड़ो, मैं ये जा रहा हूँ। अरे शांत हो जाना। बहुत ही अच्छा फैसला किया रेस, अब मजा आएगा। कार को मैं चलाऊंगा। ओ एम्बुलेंस के बाबू, रेस के लिए रेडी? पुराने एम्बुलेंस में हार्ट पहुंचाने जैसा नहीं है ये रेस है, समझे? इसमें रेस कार चाहिए। रेस के बारे में मैं जानता हूँ, अब मैं इन बच्चों को दिखाऊंगा कि रेस होती क्या है। बदला कार मैं चलाऊंगा रंगीला। ये है असली मर्द। एक बार मेरे गले लग जाओ। मेरे भगवान बनकर आए हो, तुम पायलट हो तो मैं तुम्हारा क्लीनर हूं। वो आ गया। कौन? हे कार्तिक, V4 आरती। Hey Daddu, what's up? Utang. Excellent job. बता ना। Hey, क्या हो यार? कुछ नहीं बॉन्ड, रेस हारेंगे तो रंगीला के घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा। लगा देंगे, इसमें क्या है, इट्स जस्ट अ गेम। तो ये लो बॉन्ड, साइन करो बॉन्ड के लिए बॉन्ड पेपर। मैं ये रेस जीत कर दिखाऊंगा। That's it. कार चलाने वाला मैं हूँ, 100% फिक्स। तुम लोगों के लिए कार्तिक ही काफी है। रेस अग्रीमेंट के लिए बॉन्ड पेपर पर पक्का साइन होना चाहिए। ये रेस होने के बाद जगह की लिटिगेशन होनी नहीं चाहिए, बाद में गोबर खाने का काम मत करना। बिल्कुल न्याय से रहना होगा, धोखा देगा तो पता है ना। ए, धोखे की बात यहाँ क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम लोग धोखेबाज हो, और तुमने सबसे बड़ा धोखा दिया है मुझे। लाइफ में बार बार धोखा कोई नहीं देता,
धोखा देना झूठ बोलना ये तुम जैसे टपोरियों का काम है। ये सुन ले, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। बल्लू तूने डरपोक है। तुझे कुछ भी पता नहीं है तो चुपचाप इज्जत से बात कर। ये सब यहाँ सब लोग सुन लो, कान खोल कर सुन लो। अगर हमारी टीम के साथ मिलना है तो आज अभी इधर आओ, नहीं तो शक्ल मत दिखाना, चले जाना। ये लास्ट चांस है, फिर नहीं बुलाऊंगा। क्या करें? चल यार, तू भी क्या याद रखे। आजा मेरे फ्रेंड्स हो ना तुम लोग। शांत वीरू, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? सुबी, चलो चलो मुखर्जी को बुलाओ। सुंदर बाबू, रेस और जुआ कानून का खिलाफ है, गलत है, हम नहीं मानेगा। अब क्या? जाओ चलो, एक तरीका चलो साथ में। चलो चली गई जिंदाबाद, शुगर चली गई जिंदाबाद, सिक्स पैक जिंदाबाद। अब ये क्या करने आया यहाँ पे? रुक, हमारे ऑपोजिट बैठकर हड़ताल किया था, अब यहाँ क्यों आए हो? हमको माफ कर दो, उन लड़कों को हरा के सबक सिखाना होगा। हमें ऐसा पता नहीं यार, बल्लू जाने तू जाने। ठीक है ठीक है, बल्लू हमको अपना टीम में ले लो प्लीज। बल्लू सुंदर, कार में बैठ जा। तुम फालतू में क्यों मेरे पापा से बंगा ले रहे हो? कल रेस है और मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, इसलिए जीतूंगा तो मैं ही। और तेरे बाप के पास गाड़ी धोने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम मेरी साइड रहो, फायदे में रहोगी। कहाँ? अरे कहाँ? ओहो ससुर जी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे ये क्या? नमस्ते नमस्ते ससुर जी। मैंने तुम्हें घुमाने को कहा था और तुम यहाँ पर ही ले आए उल्लू। ठीक से बोलना चाहिए था ना। अरे लड़कियाँ, बिल्ली चालू है तो पड़ोस के बिल्ले को क्या बोलूं? मुझे आपके साथ नहीं रहना, यही बताने आई थी। ये बताने आई थी? हाँ। इतनी अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा क्या, फिर भी इसके साथ डिंग डोंग करती आई है। ऐसी लड़की होगी पता होता तो उस रात में चुपचाप टीवी देखकर सो जाता। ससुर जी, अगर उसे कुछ कहा ना तो ठीक नहीं होगा, इसमें उसकी क्या गलती है? पहले ही बता रहा हूँ, तुम में से किसी को शादी में नहीं बुलाऊंगा। देख लड़की के पीछे मत जाना, नहीं तो मेरे जैसा बन जाएगा। चल जा। मुझे आप जैसा बनना भी नहीं है और बनूंगा भी नहीं, समझे? जगह खाली कराना अच्छी तरह जानता हूँ मैं, समझे ना? देखो रंगीला, रेस अलग है संबंध अलग है, चलो चलते हैं। आओ। अरे गाड़ी निकालो यार, चलो। मैं मर जाऊंगा यार। मैं एक मिनट में आता हूँ, आप कार में बैठिए। ठीक है। रोड, माइंड, स्पीड, गाड़ी और बॉडी, ये सारे शील्ड और मेडल्स के पीछे ये पांच विज्ञान काम करते हैं। इन्हें जाने बिना रेस करने जाओगे तो तुम्हारी हार होगी। छोड़ो, पता है बॉन्ड, तुम टेंशन मत लो। अब बैंगलोर आउटस्कर्ट से जंगल के रास्ते मैसूर पैलेस जाकर वहाँ झंडा लगाकर बैंगलोर वापस आना है, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसे घमंड कहते हैं कार्तिक। घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। सौरभ दादा, जीत मेरी होगी। मैदान में देखते जाओ। देख लेना सौरभ दादा, संभालो इसको। बॉन्ड, आप तो किसी से भी नहीं डरते, तो इस बल्लू को देखकर आपके चेहरे पर खौफ क्यों रहता है? वो मेरा फ्रेंड है, दोनों ने एक साथ गांव छोड़ दिया था, स्कूल में भी एक साथ पढ़े थे, मेरे डैडी ने ही दोनों को ड्राइविंग सिखाई थी। मुझे फोकस मिला, मैं रेसर बन गया, वो पीपी कर एम्बुलेंस का ड्राइवर बन गया। साथ में ड्राइविंग सीखने से बात नहीं करने का कोई कारण है क्या? मैं बात करता हूँ, बात तो वही मुझसे नहीं करता। रीजन क्या है? वो कोई कावेरी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, डीप लव, इतना लंबा लेटर लिखकर मुझे उसे देकर आने के लिए कहा। मैं भी चला गया, घर पे अकेली थी। रात में जाकर सुबह लौटा। अरे गाड़ी के इंजन खोल के जोड़ने की तरह बोल रहा है यार। शो,
ये बताना जरूरी था। अरे इन्हें तो बोल ही सकते हैं। बॉन्ड, एक सवाल है, आप तो लव लेटर देने जा रहे थे, चुपचाप रात को ही आ जाते। आना तो चाहिए था, लेकिन उसने ही नहीं छोड़ा। भैया, पापा पे ध्यान दे। हाँ तो इस बात की खबर बल्लू को किसने दी? मैंने ही बताया। उसने तभी से पीना चालू कर दिया होगा बॉन्ड। उसने नाराज होकर मुझसे दोस्ती तोड़ दी, लड़की भी छोड़ गई। उसे भी जिंदगी में कुछ अचीव अचीव करना था, परसों मिली थी बाजार में। कौन से बाजार में? उससे क्या फर्क पड़ता है, उसने शादी कर ली, अब खुश है अपनी जिंदगी से। ओह, वो आपकी पुरानी माशुका है और उसकी बेवफा माशुका, इसीलिए हमसे बदला लेने के लिए कल रेस करने आए। वो पापा को बोल के गया है कि वो जीतेगा। बोलने दे बोलने दे। बल्लू जीत भी सकता है क्योंकि उसे जीवन पता है और ये 5 विज्ञान भी पता है। तुम लोग बल्लू को पहचानते तो हो पर जानते नहीं। बॉन्ड, इन सभी को तो मैं रिवर्स गियर में ही हरा दूंगा। चैलेंज करते हो, लगाते हो बैट? रेस तो तू जीतने वाला है, पर जिंदगी में रेस ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभार हारना भी। हम हारेंगे नहीं। ये जिंदगी और रेस मुझे भी समझ में नहीं आती, शायद तुम समझ जाओ। ऑल द बेस्ट माय डियर बॉय। सुबह बोला था रहा मेरी बेटी सही नहीं है, मर जाऊंगा मैं नहीं जाता। मुझे चालू कर दिया, मैं मर रहा हूँ और तुम उसका नाम लेती हो। देखो मेरी बेटी कितनी आसान परामोश है, मैं मर जाऊंगा, तुम्हें शादी करनी, प्यार कर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। गायत्री एक आधा घंटा रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, रेडी हो। माचिस जल भी नहीं रही, ये ले ले मर। अरे तुम रुको यार, माचिस को पहले से ही पानी में डुबा कर लाया है और यहाँ आग लगाने का ड्रामा कर रहा है। आग लगानी है ना, ले ले ना। अरे क्या कर रहा हो, चलो तुम पीछे हटो। देखो ना क्या नाटक कर रहा है, सिर्फ बाप बनने से कुछ नहीं होता, पाल पोस कर बड़ा भी करना होता है। हाँ, मैं समझ गया। उसके बाद मेम साहब जब गुजरी थी तब ये छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी, मुझसे कहा था बेटी की तरह पालना, मैंने भी पाला। सिर्फ तेरे अकेले की बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। आओ बेटी, इसकी तो ऐसी की तैसी, चलते हैं, तुम चिंता मत करो। कहाँ का है ये महिला मंडल? मेडिकल शॉप के सुबू भाई है ना, ये उनकी सासू माँ है, और बल्लू भाई है ना, ये उनकी बहन है, और ये पांडे की पत्नी है। ये सभी आपसे बात करने आए हैं। इतने दिन कोई नहीं आया, आप क्यों आए हो? मेरे पति की घिनौनी हरकत से जवान बेटा घर छोड़कर चला गया, उस मेडिकल स्टोर वाले सुबू की दादागिरी से उसके दोनों बेटों का मर्डर हो गया। वो मुखर्जी की बेटी ड्रग्स ले लेकर पागल सी हो गई है, हम सभी बर्बाद हो चुके हैं। उसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं बेटा, बस ये रेस रुकवा दो बेटा, बस और कुछ नहीं। ए, मेगा सीरियल चालू। बल्लू भाई अभी कब से रेस रेस कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, हमेशा बीमार रहते हैं, सबको दवाई देते हैं लेकिन खुद एक दिन भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। संसार की गाड़ी ही नहीं चला सकते हैं, ये रेस गाड़ी क्या खाक चलाएंगे? आप सभी छोटे बच्चों के आगे मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारे बच्चे तो बर्बाद हो गए, दया करके आप लोग हमें अपनी माँ समझ लीजिए। आप सभी हमारे बच्चे से बढ़कर हो बेटा, रेस रोक दो। नहीं, अब हम रेस नहीं रोक सकते, अगर हम भी उनकी तरह हो गए तो। ए, तू जा चुपचाप अपना काम कर। देखिए माँ जी, कल सुबह रेस शुरू होने वाली है और ये बच्चे उसमें जरूर जीतेंगे। आप परेशान मत करो, दया करके यहाँ से चले जाओ। आंटी, आंटी इन सबको लेकर जाओ प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना लेकर जाओ, हमें अपना काम करने दो, चलो जाओ जाओ। बस 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 आने दो,
कार्स आर लाइंड अप ओवर। अरे जल्दी जल्दी कर, मुहूर्त निकल गया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ अरे अरे जल्दी में जाना है क्या? इसमें फॉरेन सिस्टम है, अंपायर के सीटी बजाते ही सीधे उड़ते हुए निकल जाएंगे। बस क्या यार सुब्बी, अब बेटे रंगीला तेरी बेटी कहाँ? पांडे कहाँ? मेरी बच्ची आ गई, आर कोई आरती ले आओ। आरती चलो तुम पीछे हटो। अरे इसे क्या हुआ यार, ऑपोजिशन पार्टी में क्यों चला गया? ऐसे बेशरम है यार। तुम सब मेरे जूते के लायक हो। शांत वीरु ये भी रख ले। बल्लू बल्लू यहाँ मेरे भाई, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए ये भाई है। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ आओ। आओ ए, लाओ लाओ इधर लाओ, जूता मेरा है, जाओ जाकर कार निकालो, जाओ जाओ। बल्लू क्या हुआ रंगीला? बुजुर्गों का सारा पैसा पहले ही लाइसेंस कोर्ट में दे चुका हूँ। बल्लू जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है वो कॉम्प्लेक्स मेरा होना चाहिए। देखो जब जवानी थी लड़ाई कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है, ये रेस हमें जीतना होगा। जिंदगी में किसी को नहीं बताया वो सच तुम्हें बताता हूँ। यही जगह मिली बैठने के लिए? माँ कसम वो जगह मेरी नहीं है। किसी को मत बताना, घंटा बॉन्ड ने नशे की हालत में आलू की बिल पर साइन किया था, उस साइन की नकल मैंने कर दी। ये गलत है रंगीला। गलत है ये, गलत है ये, मेरे माँ बाप ने, फ्रेंड्स ने, किसी ने भी नहीं बोला। क्यों किया तूने? ये रियल एस्टेट पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है, ये इंडिया है ना बल्लू। इसलिए ऐसा काम करोगे क्या? हाँ तो क्या करूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे उनके पास है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। देखो भाई जीने का कोई और रास्ता है तो बताओ। कार को वैसे ही घुमाकर वापस चले जाते हैं। रेस कैंसिल। देखो रेस एक बार शुरू हो जाती है तो कैंसिल नहीं होती है, है ना? हाँ। सबका भविष्य, फ्यूचर को तेरे हाथों में रखना हो। जीतोगे तो तेरी फोटो को गली गली में रखकर पूजा करेंगे, भगवान बनाएंगे तुमको। हाँ बोलो। कार्तिक रेस के लिए सिलेक्ट किया हुआ रोड यही है ना? ये रोड, ये माइंड सब पता है बॉन्ड, फालतू में रिपीट मत करो, मुझे सब मालूम है। ये रेस जीत कर आऊंगा और कप लाकर तुम्हें दूंगा, तब बात करते हैं। एक बात सुनो कार्तिक। देखो बॉन्ड प्लीज लेट मी रेस। क्या हुआ, क्या बोल रहे थे? अरे छोड़ यार कुछ नहीं, कार चेक किया ना? ऑल सेट यार। अब यहाँ से रेस शुरू होगी और यहीं पे एंड होगी। वो भी पता है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रामनगर के पास आपको फर्स्ट फ्लैग मिलेगा। आपका रेड फ्लैग है और इनका ब्लू फ्लैग है। माधुर के पास दूसरा फ्लैग कलेक्ट करना होगा और उसके बाद पहाड़ मिलेगा, उसे पार करके आएंगे तो तीसरा फ्लैग मुंडाया में मिलेगा, चौथा कावेरी, पांचवा फ्लैग मैसूर पैलेस का है। एक कार में सिर्फ 4 लोगों को मौका मिलेगा, पीछे से बाइक में सिर्फ 1 सपोर्टर जा सकता है, सबको हेलमेट अनिवार्य है, हाईवे पर जाना मना है। हटो बहन, बल्लू हमारा कप्तान है, उसको जीत कर हमारे लिए कप लाना है। हमारे साथ आइए।
पूरे रास्ते में धूल उड़ा दी। अरे उनको तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ए, इस रेस में मजा नहीं आ रहा यार, एक काम कर कैमरा निकाल, बॉन्ड को वीडियो बनाकर भेजते हैं। हम उसके पीछे, हम उसके पीछे। हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे ये क्या, वो सामने से आ रहे हैं। ये कहां से आ गया? अरे कर क्या रहे? अरे गोल गोल क्यों फिर रहा है? अरे खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। एक क्या कर रहा है? अरे क्या चल रहा है? अरे अरे भगाओ भगाओ, पागल हो गया क्या ये? पागल हो गया ये। अरे ये लोग, ये रहे लोग, देखो ए, समझ के देखो, हिम्मत देखो इन लोगों की। भागता कहां है, भागता कहां है, उतर के मारूंगा। अरे कितनी धूल है यार, कुछ दिखाई भी नहीं देता। तुम ये कर क्या रहे हो? ऐसे तो हो गया। वो 100 के स्पीड में जा रहा है, तुम 45 में चला रहे हो। चलो आगे चलो, उसका पीछा करो। ये क्या हुआ? अरे 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 क्या कर रहे हो? उतरो, मैं चलाता हूँ, उतरो। ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? तुमसे तो अच्छा मैं ही हूँ, बैठे बैठे पिछोड़ा दू क्या मेरा? चलो हटो, चलो जल्दी मुझे गाड़ी की चाबी दो। ये बटन स्टार्ट है। मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस गाड़ी चलाने से मतलब है। चलो देखो मैं दिखाता हूँ, चलो बैठो तुम देखो। अरे रंगीला भाई, आप अपना काम क्यों बिगाड़ रहे हो? चुप रहने का क्या लेगा तू? तेरे को रास्ता मालूम है क्या? ए सुबह मैं ऐसे फन करके जाऊंगा, देख ले तू। मजाक चल रहा है क्या? जाओ उधर बैठ। हाँ ठीक है, मैं जाकर बैठ जाता हूँ। ले भाई तू ही चला, तू ही जीता। मुझे ये रेस जीतनी है, कोई भी मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे चलो चलो अब चलते हैं, इधर समय बर्बाद मत करो, चलो। सुबह अगर रेस नहीं जीता ना, उसको ज्यादा सिखाओ अब बात नहीं करता, चला लेगा। दस पंद्रह, अरे बैलगाड़ी भी हमसे तेज जाएगी। सुनो यहाँ एक सेल्फी लेते हैं। लो, गई भैंस पानी में। अरे क्या हुआ? अरे यार फंस गए, अरे निकला भी नहीं जा रहा है। अरे चल मार धक्का, मारो मार, चलो ले पीछे ले, तू उस तरफ जा, चल चल। अरे अरे रोको 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 रोको, तालाब तालाब पानी पानी, सब लोग पानी में फंस गए। अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अरे देख लो सभी जवान लड़के पानी में फंस गए, सभी ने जल समाधि ले ली। तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए था, जोश में आकर रेस जीतने के लिए निकले थे, बताओ अब क्या करोगे? hey, मुझे पता था, इसीलिए बल्लू इतने ध्यान से गाड़ी चला रहा था। क्या बात है बल्लू, तुम करेक्ट हो यार, करेक्ट हो, हमें डूबने से बचा लिया, तुम जीत गए, जीत गए तुम, शाबाश। तुम लोग सभी यहीं जल्दी मर जाओगे, तुम्हारे नसीब में यही लिखा है। चलो चलो मर जाओ, चलो जीत गए, हम जीत गए। तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, वो कार निकलते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये लो नंबर, ये लो पैसा। फ्लैग दो, फ्लैग दो, फ्लैग दो। लड़कों की कार पानी में डूब गई है, वो नहीं आएंगे, उनका इंतजार मत करना, दुकान को बंद करके बैंगलोर चले जाओ। बाय बाय, टाटा। यस यस, हम जीतेंगे। पता नहीं वो लोग कहां पर रह गए। चलो चलो चलो, अरे चलो चलो धक्का दो।
अरे जल्दी धक्का दो। हो गया, कम ऑन, चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, ये यस, चल। अरे गाड़ी अब तो चल ले, चलो चलो जल्दी जल्दी करो भाई, बुड्ढे बहुत आगे निकल चुके हैं, चलो शाबाश, क्या बात है, चलो चलो। अल्फा पिट स्टॉप वन, पिट स्टॉप वन। रेड टीम फर्स्ट फ्लैग कलेक्टेड एट 9:28 AM। सर आप तो रेस प्रोफेशनल हैं, पर आपकी टीम पीछे छूट गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? कभी कभी हमें गरज ज्यादा सुनाई देती है लेकिन बिजली दिखाई नहीं देती, हमारी टीम एक बिजली की तरह है। वेट कीजिए, वो हमसे 20 मिनट आगे है, चलो जल्दी। रुको 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 रुको, वो लड़के नहीं आने वाले, वो कार को पानी पिला रहे हैं, चलो 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 बल्लू चलो। हाँ हमें सजनी ही मिलेगा। क्या सजनी? सजनी बोले तो हमें लग रहा है कि बुजुर्ग लोग हमसे 35 किलोमीटर आगे हैं। सिर्फ लग नहीं रहा, वो हमसे पक्का आगे हैं। लो कर लो बात। अब क्या? वॉच मी। लगा लगा 150 के ऊपर जा। Roger, Roger, Alpha, we are at pit stop 2. Do you copy? वो जरूर हमसे 15 मिनट आगे होंगे, कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हम क्या करेंगे, उन्हें चेज नहीं कर सकते, पहाड़ के नीचे का रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं रास्ते से नहीं जाऊंगा, मतलब पहाड़ से जाऊंगा। क्या? What? वो तीसरा फ्लैग लेने के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे, और अगर हम पहाड़ के रास्ते से गए तो सिर्फ 45 मिनट, समझ में आया ना? गाड़ी की हालत क्या होगी पता है? No more discussion, shut up and follow. What the hell? कार्तिक मेरी बात तो सुनो, यू गो टू हेल, मैं नहीं आ रही हूँ। अब तो मैं भी बोर हो गया हूँ, इसी पहाड़ के बीच से जाना जरूरी था क्या? तो अब क्या करें, उठा के बाजू में रख दे क्या? बोलो ए पांडे, उस मछली वाले को सीआईडी बनाया था ना, उसका फोन आया क्या? अरे यार उसने नंबर नहीं दिया। नहीं दिया मत बोल, तूने मांगा ही नहीं होगा, तू बूढ़ा हो गया, कुछ भी याद नहीं रहता तुझे। तू क्या दूध पीता छोटा बच्चा है, ए समझा इसे। यार शांत रह, बेकार में दिमाग गरम करा है। अच्छा बल्लू तू ही बता, वो लड़कों की कार आएगी या नहीं आएगी? मुझे बस मेरी कार की चिंता है, दूसरों के नहीं। फिर भी यहाँ ये पहाड़ नहीं होना चाहिए था यार, बात बात पे गर्म हो जाता है यार तू। अरे 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 क्या कर रहा है, ध्यान से उधर खाई है। अरे यार कर क्या रहा है तू, मरवा क्या क्या? चल रिवर्स ले, रिवर्स रिवर्स ले। हाँ हाँ ठीक है बस 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 पीछे अब ज्यादा मत जा यार। हाँ ठीक है, ओ संभल के।
थैंक यू। रॉजर, पिट स्टॉप 3, थर्ड फ्लैग कलेक्टेड। ए, जरा बताओ रेस कंप्लीट होने में और कितना वक्त लगेगा? लगभग 50-60 किलोमीटर का फासला रहेगा। हाँ, ये रेस खत्म करने में अभी और एक घंटा तो जरूर लगेगा। पक्का? और कितने फ्लैग्स बाकी हैं? दो। आधे घंटे में करता हूँ, टाइमर चालू कर। बल्लू बल्लू बल्लू, अरे नारियल पानी है यार, नारियल पानी है। इन कपड़ों में पसीना निकलने से बॉडी हीट हो गया यार। अरे वो लड़के नहीं आएंगे, वो पाताल पहुंच चुके हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, बस रुको ना प्लीज प्लीज रुको ना। सर नारियल पानी? नहीं, हमको नहीं चाहिए। ये एक टीम है, चुपचाप पीना पड़ेगा। हाँ नारियल ले लो प्लीज, नारियल नारियल नारियल। समझाने के लिए उनके पास माँ बाप नहीं है, दूसरे समझाए तो समझ में भी नहीं आता। रेस में हार के बाद सिग्नल के पास अल्यूमिनियम प्लेट लेकर वो सब भीख मांगते दिखेंगे। भाई ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, सिर्फ दिमाग खराब है इसका। क्या पढ़ा है? इंजीनियर है। क्या बात है, इंजीनियर हो? हाई कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट प्लीज कॉर्पोरेट। आप यंग यूथ हो, कच्चे फलों की तरह हो, सड़ जाओगे। हमें देखो, हम मजबूत सूखा नारियल हैं। <सड़ेंगे नहीं। laughs> है? ए, ए, क्या हुआ? रंगीला, ये बिल्कुल मेरे मरे हुए दूसरे बेटे की तरह है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा बेटा भी घर छोड़कर गया, कहाँ गया पता नहीं, सब भगवान का खेल है। हमारा बेटी भी ड्रग्स का लत में पागल हो गया है। मेरी बेटी का सीधी रह गई धोखेबाज, इतनी इतनी सी थी, देखो कैसे नचाती है। रंगीला, मैं एक बात कहता हूँ, तुम गुस्सा मत करना यार। हमारे किसी के भी बच्चे सही नहीं है, उन गैरेज के बच्चों को अपने बच्चे समझकर अपने पास रख लेंगे। रंगीला, हम जो खाना खाते हैं उनको भी खिलाकर हमारे साथ रख लेंगे। इसके लिए मैं हाँ कहता हूँ, रेस जीतने के बाद फैसला करते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई आंसू बहाता है क्या? तुमको सेंटीमेंट के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? हमको आंसू बहाने का भी स्वतंत्रता नहीं है। कौन सी स्वतंत्रता? 70 साल होने के बाद? माँ कसम, दिमाग खराब मत कर, जूता निकाल के मारूंगा, जरा देखो इसे। अरे बल्लू क्या यार तुम, मैंने ऑरेंज फ्रूट मांगा, तुमने हरे के सामने खड़ा कर दिया, तुम्हें कलर सेंस नहीं है क्या? अरे आओ यार, आते वक्त दूध पिला देना उसको। चलो जाओ, तुम चलते बनो, जाओ चलो बैठो, चलो सब गाड़ी में बैठो, चलो। ये रेस है, ये ले इसमें हल्का हो जा। नहीं नहीं, बोलने पर भी नारियल पानी मिला है, अर्जेंट में पेशाब करना है, गाड़ी रोको प्लीज। गाड़ी रोको, समझ गया यार, रेस से पहले नहीं कर सकते थे। मेरा हो गया। चलो चलो जल्दी करो बल्लो, अगर किसी ने फिर से ऐसा किया तो रबर बैंड डाल देना, समझे? Stop five. Last flag collected. You can go ahead. Do you copy that? Yes. On time. ready. Race चालू है। ए चल उठ, क्या कर रहा है यार? चल चल मेरे साथ। बोलो एक घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। कार्तिक, तुम दोबारा पहाड़ पर मत चलाना। अगर तुम पहाड़ पर चलाओगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है। अरे तीसरे फ्लैग का स्टॉप आ गया, वाह! क्या रंगीला, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो कमीने तो अपने पास भी नहीं आ सके। बल्लू, तीसरा फ्लैग। रुके, स्टॉप। अरे धीरे से। बच्चों, जाओ। हम जीतने वाले हैं। रंगीला, उधर देख।
ये ये कैसे हुआ? ये मैसूर से कैसे आ गए? कौन से रास्ते से आए? यार पांच के पांच फ्लैग्स उनके हाथों में है यार। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, अब मैं हार गया। उम्र हो गई लेकिन मेरा कभी अपमान नहीं हुआ था। अरे कुछ नहीं हुआ रंगीला। और क्या हो रहा था? और क्या होना था? घर बार बेटी सब कुछ होने के बावजूद मैं रास्ते पर आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें अपना बेटा समझा था, मैं कितना गलत था। सच्चाई का सामने बुराई का जीत हुआ। जीतेंगे तो हम ही। मेरे बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे हम जीत जाएंगे, तू टेंशन मत ले, हम है ना तेरे साथ, फिर किस बात की परेशानी? जीतेंगे जीतेंगे सोच का टेंशन नहीं था, अब गधों की तरह हार रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, तुम देख लो अपना। सुनो ए, जाना कार में बैठ कर। ओ माय डियर चिल्ड्रन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आओ बच्चों यहाँ आओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपके टीचर ने आपको ये कहानी तो सुनाई होगी कछुए और खरगोश की, ये सब बिल्कुल झूठ है, उस पर भरोसा मत करना। कि कछुआ रेस जीत जाता है, खरगोश सो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्लो एंड स्टडी नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस ही रेस जीतता है, समझे? खरगोश कौन है? अपुन। कछुआ कौन है? ये लोग। खरगोश कछुआ। कहानी सुनी सबने? कहानी सुनी? चलो चलो घर जाओ, जाओ जाओ जाओ। शक्ल देखी उनकी, मजा आ गया। अब शुरू होगी असली रेस, बस देखते जाओ रंगीला। अगर संजना होती तो गाड़ी घुमा लेता, और आती है तो गाड़ी नहीं घुमाएगा। चल गाड़ी घुमा। अरे अरे जल्दी जल्दी दो फ्लैग, जल्दी दो, स्टेडियम जाना है, जल्दी दो। अरे कुछ नीचे उतर यार, क्या कर रहे हो? अरे नीचे चल गया, चल गया, चल गया। अब उठो, चलो लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। Cars are coming towards Bangalore. Aarti Alpha coming. Oil leak हो रहा है। कार्तिक को गाड़ी रोकने को कहो। अरे ऑयल लीक हो रहा है, गाड़ी रोक। अब 20 मिनट में फिनिश लाइन आ जाएगी, मैं गाड़ी नहीं रोकने वाला। अरे नीचे उतर। What the hell? अब ये क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पीछे कैसे छोड़ कर आए? कैसे छोड़ कर आए? हाँ इतनी हिम्मत कैसे छोड़ के आए? अरे अरे ये बकवास बंद करो। Let's stop this leakage first. Hurry up. इस गाड़ी को हटाओ। Okay, darling. सुनो हेलमेट पकड़ो। Come on. Easy. आजा 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 पीछे ले पीछे। Oh, easy baby. Careful. Get the hydraulic jack quickly. हाँ एक मिनट। कार्तिक हमारे पास वक्त कम है, जल्दी साइड हटो। ये लो,
अभी लीक होना था। हाँ देखो वो स्पॉट पे। हेलो, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना? कब से देख रही हूँ मैं। तेरी की, क्या हुआ तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मैं बताती हूँ, मैं कार्तिक को पसंद करती हूँ, आई लाइक हिम, पर मैंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। वो दो मुझे। इसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ। आधे घंटे में पापा रेस हार जाएंगे। वो जगह नहीं मिलेगी तो पापा क्या करेंगे? मुझे यही डर है। तो क्या करूँ, तेरे बाप के लिए रेस हार जाऊँ? तुम मुझसे गुस्से में बात कर रहे हो ना, मुझे रोना आ रहा है। अब रोना आ रहा है तो रो। और ये तुम्हारा नया क्या है, प्यार हो गया? बता रहा था, बता दिया। आई रियली लाइक यू, पर तुम उसके साथ खुश रहो। अब तो खुश हो ना। आर्तिक, आर्तिक, सच बताओ, तुम्हें कौन पसंद है? कौन पसंद है? माइंड इट। माइंड इट? तेरा कैसा माइंड है? तू मुझे हाँ बोलती है, इसको हाँ बोलती है, पूरे गांव वाले पसंद करते हैं। आज रेस खत्म होने के बाद ये गैरेज किसके हिस्से में आएगा देखते हैं। आज फैसला होके रहेगा। समझी? चलो अभी फाइट करते हैं, जो जीतेगा उसी को आरती मिलेगी और आधी जगह भी। मरने तक लड़ाई चलती रहेगी, किसी एक के बचने तक। आजा आजा। ले तेरी तो, चल रेस बाकी है यार, छोड़ दे। मुझे दिख रहा हूँ, रुक, क्या कर रहा है यार? चल चल चल, छोड़ दे, छोड़ो ना नहीं तुझे आज तेरी तो। अबे आज कल मैं दिखाता हूँ, अबे चल ले, ये ले, ये ले, और ले, अबे और ले, तुझे देखा प्लीज। अरे अरे स्टॉप स्टॉप, अरे अरे अरे, आरती तुम बाहर आ जाओ। चलो तू मुझसे लड़ेगा, करो तुम्हारे घर से लड़ेगा। क्यों नहीं किया? तुझे कुछ काम दिया था ना? आए, नहीं, आए, आए। माफ कर दो।
रेस कार्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स स्टेडियम। चलो चलो। फिनिश लाइन क्रॉस करनी होगी। अरे बल्लू, बल्लू क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? बल्लू, बल्लू अरे क्या हो गया बल्लू? बल्लू 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 देखो बल्लू ऐसे पांच कदम है। हाँ प्लीज जगह दीजिए, जगह दीजिए, साइड हो जाइए। क्या हुआ उसे? वो मर गया बल्लू, बल्लू मर गया। बल्लू इज नो मोर, पब्लिक को कंट्रोल करना होगा। आई रिपीट, कॉम्पिटिटर बल्लू इज नो मोर। आजा, रेस लगाना है ना तेरे को? लड़की के पीछे मत जाना, नहीं तो मेरे जैसा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। ये जिंदगी और रेस मुझे भी समझ में नहीं आती, शायद तुम समझ जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ना, तुम रो मत, रो मत। दया करके आप लोग हमें अपनी माँ समझ लीजिए। ये रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइफ इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो, मेरे तो माँ बाप नहीं है, इन्हें ही माँ बाप समझूंगा। We'll be right back.
जिंदगी की रेस इसी को कहते हैं। यस माय बॉय, यस यस। ये क्या है? रेस आपने जीती है, जगह भी आपकी है। कछुआ एंड में खरगोश बनकर जीत जाता है, तो वो कछुए की जीत नहीं, खरगोश की जीत है। बल्लू, उसने हमारे लिए जान कुर्बान कर दी। बल्लू जहां गया है वहां हम भी जल्दी पहुंचेंगे। जिनके सामने लंबी जिंदगी पड़ी है वो हैं। ये जगह आपकी है, इसके हकदार तो वो सारे बच्चे हैं। जीत उनकी हुई है बॉन्ड। बल्लू मुझे माफ कर देना यार। ये लो, रियल विनर्स। दिनेश V4, ये टंग। बाय गाइस, बाय।